अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं दर्जा प्राप्त मंत्री ने जिला अस्पताल व कोविड सेंटर का लिया जायजा। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। श्रावस्ती में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य तथा दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने जिला अस्पताल एवं कोविड सेंटर का जायजा लिया। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट पर डॉक्टरों से इसकी समीक्षा भी की। वहीं ओमिक्रॉन को लेकर जनपद में चल रही तैयारी के संबंध में भी जानकारी ली। श्रावस्ती जनपद में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सम्मान अफरोज खान ने जिला अस्पताल पहुंचकर इमरजेंसी वार्ड लेबर वार्ड का निरीक्षण किया। उसके बाद कोविड सेंटर पहुंचकर उसका भी जायजा लिया। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों और सीएमएस के साथ कोविड की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की तैयारी को लेकर डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं इसकी तैयारी पर संतुष्टि जताई। आज मेरा निरीक्षण था श्रावस्ती जिले के भिंगा जिला अस्पताल का, और दिशा निर्देश की जहाँ तक बात है वो हमारी सरकार ऑलरेडी पहले ही से दिशा निर्देश दे चुकी है, और उस दिशा निर्देश को पूरी तरह हमारे जो अधिकार जितने भी पैरा मेडिकल और मेडिकल स्टाफ हैं वो उसको पूरी तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ओमिक्रॉन तीसरी वेव से पूरा देश पूरी दुनिया में वो फैल चुका है। खासकर अगर अमेरिका की बात करें और इंग्लैंड की बात करें तो काफ़ी हद तक वहाँ पे ओमिक्रॉन का काफ़ी प्रभाव है। इसको देखते हुए हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने पहले से ही उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी कि जिस तरह से पहली और सेकंड वेव में जो हालत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, रही बात चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की है तो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन प्लांट बन चुके हैं, और रही बात हमारी भिंगा शहर की हो और कोविड सेंटर की हो, वहाँ पे भी हमारा ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं उस ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए, पर मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ये तीसरी वेव ओमिक्रॉन की ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रही बात हमारी वैक्सीनेशंस की, 141 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन लग चुके हैं। कम से कम 80% लोगों को पहली डोज लग चुकी है, और वो भी जो अभियान चलाया गया वो भी मुफ्त, हर किसी को वैक्सीनेशन फ्री में लगी। ये माननीय प्रधानमंत्री का सपना था और वो चीज़ पूरी होते हुए दिख रही है। हमारी राज्य सरकार हो, योगी जी के निर्देश अनुसार पूरी तरीके से हमारी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है इस चीज़ को लड़ने के लिए। रही बात पूरे अगर देश की बात करें तो 1.5 लाख आईसीयू बेड पूरे तरीके से तैयार हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स पूरे देश में तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, बट हम लोग आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे, भगवान से आप लोग भी दुआ करें कि तीसरी वेव ना आए तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यूएफटी लाइव के लिए मोइनुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट।